नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। स्वामी का ये ट्वीट ऐसे वक्त आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन संतों को बुलाकर किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है, शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चीन भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ना जारी रखे और उन्हें हमारी जमीन से अलग कर दे, मोदी केवल विलाप करते हुए यही कहते रहेंगे कि कोई आया नहीं। स्वामी ने शायद संसद भवन के उद्घाटन के तरीके पर तंज करते हुए कहा है कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है और पंगु बना देती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक खड़गे के आवास पर पहले से ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। बता दें, इस बैठक में पायलट को उनका आंदोलन स्थगित करने और पार्टी के लिए प्रचार करने को कह सकती है। दूसरी तरफ गहलोत खेमा सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में सब सही करना चाहता है। ओलंपिक मेडल विजेता शूटर अभिनव बिंद्रा भी अब पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीती रात मैं सो नहीं पाया, मुझे प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स की तस्वीरें परेशान करती रहीं। अब समय आ गया है कि सभी खेल संगठनों में स्वतंत्र रूप से सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाए जाएं। बिंद्रा ने खिलाड़ियों के हितों पर बात करते हुए लिखा है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर इस तरह की परिस्थितियां आएं तो उनसे बेहद संवेदनशीलता के साथ निपटा जाए। हर एथलीट का यह हक है कि उसे सुरक्षित और सशक्त माहौल मिले। बता दें, इससे पहले ओलंपियन नीरज चोपड़ा और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री भी विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में उतरे थे। सुनील छेत्री ने एक ट्वीट में लिखा था, बिना सोचे समझे हमारे पहलवानों को इस तरह घसीटे जाने की क्या जरूरत है, किसी के साथ बर्ताव करने का ये सही तरीका नहीं है। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने कहा था, ये देखकर मुझे दुख हो रहा है, इस हालात से निपटने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। हालांकि कोई मौजूदा क्रिकेटर अभी पहलवानों के समर्थन में खुलकर नहीं उतरा है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। किसी भी संघर्ष में शारी तब याद आती है जब आप अपनी हताशा को नहीं छोड़ना चाहते। पहलवान विनेश फोगाट ने आज अपने दिन की शुरुआत ऐसी ही गजल के कुछ लाइनों से की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ रे बुजदिल, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बता दें, महिला पहलवानों के लिए कल का दिन काफ़ी हताशा और निराशा का रहा था, जब उन्होंने नए संसद भवन की ओर महिला महापंचायत आयोजित करने के लिए कदम बढ़ाए तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक लिया और उनको सड़कों पर घसीटा गया और वीडियो उसके वायरल हुए। हालांकि संसद के अंदर पीएम मोदी लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे थे, लेकिन बाहर इसके विपरीत हो रहा था। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के ट्वीट पर जवाब में लिखा है कि वो गोली खाने को भी तैयार है। बता दें, पूर्व आईपीएस एनसी अस्थाना ने एक ट्वीट में ये प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए ये लिखा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गोली भी मारी जाएगी, जिसके बाद बजरंग पूनिया को ये कहना पड़ा है। दरअसल पूर्व आईपीएस ने ट्वीट कर कहा था, ज़रूरत हुई तो गोली भी मारेंगे मगर तुम्हारे कहने से नहीं, अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है, उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी मगर वह जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। इसके जवाब में बजरंग पूनिया ने लिखा है, ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है, भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने, कसम है पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे खाएंगे तेरी गोली, यो ही रह गया है अब हमारे साथ करना तो यो भी सही। पहलवान साक्षी मलिक ने ट्विटर हैंडल से पहलवानों के साथ पुलिस की जाति को ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये जो दिन है ये भी बीतेंगे, हमको हंसते जाना है ये दिन भी बीतेंगे। इसके साथ ही वीडियो में साक्षी मलिक को मेडल जीते हुए भी दिखाया गया है और उसके साथ अब पुलिस की कार्रवाई को भी दिखाया गया है। बता दें, पुलिस एक्शन में कल साक्षी मलिक को बुरी तरह से घसीटा गया था, उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें लोगों ने उनको पकड़ रखा है।
दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों और उसके समर्थकों पर दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज की है। जिन लोगों पर FIR हुई है उनमें बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी शामिल हैं। बता दें, समाचार एजेंसी NI के अनुसार ये FIR भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और PDPP की एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव KC वेणुगोपाल ने बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और बाकी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 सीट मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तरह हम मध्य प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में करीब 4 महीने बचे हैं। बैठक में मध्य प्रदेश के भविष्य और राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। हम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। राहुल गांधी के दावे पर जब CM शिवराज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। अब उनको ख्याली पुलाव बनाना है तो बनाते रहें। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार साड़ी, जूता, सैंडल, पानी की बोतल और छाता बांटने जा रही है। मध्य प्रदेश के 15,24,000 परिवारों को एक सरकारी योजना के तहत ये सामान दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साड़ी जूता बांटना शुरू करेंगे। हालांकि ट्विटर पर लोगों का कहना है कि अब PM मोदी अपने मुख्यमंत्री के द्वारा बांटी जा रही रेबड़ी को रोकेंगे। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए समाज के हर वर्ग को साधने में लगे हैं, जिसके तहत वो रेबड़ी बांट रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हरवंश राय की उपलब्धता और सक्रियता देख JDU के लोग जरूर भौचक्का रह गए हैं, क्योंकि पार्टी ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था लेकिन हरवंश फिर भी संसद में पहुंचे। बता दें, हरवंश JDU कोटे से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके बाद बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह पर तीखा हमला बोला है। JDU का आरोप है कि जब पार्टी ने तय किया था कि नए संसद के उद्घाटन का पार्टी बहिष्कार करेगी, वैसे समय में हरवंश ने कार्यक्रम में शामिल होकर पार्टी की नीतियों से अलग काम किया है। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक तस्वीर दिखाते हुए ये भी आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से हरवंश को भी उचित सम्मान नहीं दिया गया और जिस कार्यक्रम में राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया, लेकिन हरवंश ने बौद्धिकता का ईमान बेच दिया। नीरज कुमार का ये भी कहना है कि इस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। पश्चिम बंगाल में इकलौते कांग्रेस विधायक अब TMC में शामिल हो गए हैं। विधायक बायरन विश्वास ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और वो ममता बनर्जी की पार्टी TMC में शामिल हो गए हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के सागर दीघी सीट पर हाल में हुए उपचुनाव में वाम मोर्चा के समर्थन से तृणमूल कांग्रेस को हरा कर जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार बायरन विश्वास ही अब TMC में शामिल हुए हैं, यानी कांग्रेस को झटका ममता बनर्जी ने दिया है। विश्वास कांग्रेस वाम गठबंधन को झटका देते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की जनसंपर्क यात्रा के दौरान पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल में तृणमूल में शामिल हो गए। अभिषेक ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक 16 वर्षीय लड़की को उसके प्रेमी द्वारा कथित रूप से हत्या के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 20 वर्षीय आरोपी AC मरम्मत करने वाला मैकेनिक है। आरोपी की पहचान साहिल के रूप में हुई है। बता दें, दिल्ली के रोहिणी इलाके में रविवार को एक नाबालिग लड़की की 21 बार चाकू से वार कर सरेआम हत्या कर दी गई थी, लेकिन वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए LG को संबोधित करते हुए ट्वीट भी किया है। बता दें, एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि लड़की सड़क से गुजर रही थी जब साहिल ने अचानक से उसे रोका और चाकू से वार किया और उसके सिर पर पत्थरों से वार किया। पुलिस के अनुसार साहिल और मृतक के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन कल उनका झगड़ा हो गया था।
रविवार को मृतका अपने सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने की योजना बना रही थी। आरोपी साहिल ने उसे रोका और कई बार चाकू से वार किया। आईपीएल 2023 के फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत लिया है और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या से पहले बल्लेबाजी करने को कहा है। धोनी ने टॉस जीतने के बाद कहा कि बारिश की संभावना दिख रही है, इसलिए पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। हार्दिक ने भी कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी ही करते। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।